अभी भी आपको क्या करना है, अगर आपके एयर फिल्टर में आपको लग रहा पानी चला गया है तो यहाँ पे देखो ये पाइप लगा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि अगर आपके इधर कहीं पानी भरा है तो आपको वहाँ पे बाइक को कैसे चलाना है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बाइक के अंदर पानी चला जाता है, जैसे कि एयर फिल्टर बॉक्स हो गया या कहीं और भी, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आप कभी ऐसा इमरजेंसी टाइम आ जाए जहाँ आप बाइक को आप पानी में से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो को लास्ट तक, आपको पूरा समझाता हूँ आपको क्या मॉडिफिकेशन करना है जिससे आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो गाइज ये रही अपनी बाइक, आपको बताता हूँ मैं, एक बार इधर का व्यू देख लो। इधर पूरी नदी है और इधर पूरा पहाड़ टाइप का है। ठीक है, मतलब बढ़िया व्यू है, आपको थोड़ा सा व्यू भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी थोड़े दिन बाद सब व्लॉग भी डाला करूँगा मैं, अपलोड किया करूँगा बाइक के साथ में। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे थे गाइस, मेन चीज़ है गाइस कि कभी देखो आप अगर अभी इधर देखोगे तो इस साइड में आपको छोटी सी नदी दिखेगी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, तो ये नदी है। ठीक है, छोटी नदी है कि इसमें से बाइक आप क्रॉस कर सकते हो, वैसे करना नहीं चाहिए। बट ऐसी अगर कहीं रोडों पे कई बार क्या होता है, बहुत सी जगह पानी भरा हुआ रहता है गाइस, और आपको डर लगता है अपनी बाइक को निकालने में, और ये लगता है कि कहीं बाइक के अंदर पानी चला गया या आपकी स्कूटी के अंदर पानी चला गया तो आप कैसे करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है गाइस। सबसे पहले आपको अपने एयर फिल्टर का सिस्टम देखना है। ठीक है, कैसा दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप इन बाइक्स को देखोगे, ठीक है, इन बाइक्स को देखोगे, जैसे कि ये अपनी AS200 है, NS200 होगी, RS200, जो कि मुझे इनके बारे में कॉमनली पता हो, और KTM हो गई या आपकी KTM की एडवेंचर वाली बाइक हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सी बाइक है जिसमें ना एयर फिल्टर बॉक्स जो होता है वो बहुत बिल्कुल तरीके से पैक होता है और ऊपर दिया होता है। ठीक है, ऊपर दिया होता है और इनका ना गाइस एक हॉस पाइप होता है। ठीक है, एयर फिल्टर बॉक्स में होता है वो, जो कि हवा खींचता है। ठीक है, और वो हवा को कहाँ तक पहुँचाता है, आपके एयर फिल्टर तक पहुँचाता है। तो इसमें भी गाइस जो टैंक का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से दिखेगा नहीं अंदर, ये तो मेरा निकला हुआ इसलिए आपको दिख रहा है, जो टैंक का हिस्सा होता है उसके पास में लगा हुआ है पाइप। ठीक है, तो वो जो पाइप होता है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर पानी जाता है तो क्या बोलते दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताता हूँ वो कहाँ पे है, तो इसमें ये इस साइड में दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो इसके नीचे है ये, यहाँ पे इस साइड में दिया हुआ है इसका हॉस पाइप, एयर फिल्टर बॉक्स से जो आया हो, बट आपको अभी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो आपको, तो गाइस मैंने आपको लोकेशन बताई है, ऐसी आपकी बाइक में भी आपको देखना पड़ेगा, अगर मुझे इसको दिखाना है तो पूरा खोलना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो गाइस मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आपके इधर जैसे ज़्यादा पानी है, ठीक है, वैसे तो देखो इस बाइक में जो एयर फिल्टर का हॉस पाइप है जिससे हवा खींचता है अंदर, वो फिर भी बहुत सही जगह पर दिया हुआ है। जब तक आपकी पानी जो सॉरी बाइक कह रहा हूँ, जब तक आपकी जो बाइक है ये जहाँ पे ये दिखा बना हुआ है, अगर यहाँ तक भी पानी में आती है तो आपकी बाइक में पानी नहीं भराएगा। ठीक है, अगर उसके बाद में ऊपर जाती है तो जाने के चांसेस है पानी के, फिर भी नहीं है। बाकी ज़्यादातर जो बाइक है, मैंने भी चलाई है बहुत बार इसको पानी में, इतने पानी तक मैं चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगर कभी पानी चला जाए तो आपको करना क्या है, वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको बाइक अपनी बंद कर देनी, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो, तो आपको बंद कर देनी सबसे पहले। और सबसे मेन चीज़ आपको बताता हूँ, कभी भी आपको क्या करना है, अगर आपके एयर फिल्टर में आपको लग रहा पानी चला गया है तो यहाँ पे देखो ये पाइप लगा हुआ है। ठीक है, एयर फिल्टर बॉक्स के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, इसको आपको खोल देना है, यहाँ से पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसको वापस लगा देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो निकल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पानी निकल जाएगा और तो इससे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगर स्कूटी की बात करें तो स्कूटी में गाइस क्या होता है, नीचे होता है एयर फिल्टर बॉक्स। ठीक है, तो उसमें भी यही समस्या होती है। ठीक है, उसमें भी यही रहता है लफड़ा, लेकिन उसको आप ज़्यादा पानी में नहीं चला सकते स्कूटी को,
लेकिन आप बाइक को आराम से चला सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी बाइक, बस आपको उसका एयर फिल्टर का सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एयर फिल्टर का सिस्टम पता होता है तो आप उसका कुछ मॉडिफिकेशन अलग से, जो हॉस पाइप होता है उसमें थोड़ा पाइप डाल के उस पाइप को आप अलग जगह ला के रख सकते हो, जिससे आपका जो पानी है वो अंदर जाएगा नहीं। तो इधर बंदर भी आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जंगल है तो बंदर तो रहेगा, ठीक है। तो आप ये कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो बारिश के टाइम में। बाकी मैं आपको मना ही करूँगा कि बारिश में जैसा कहीं पानी भरा हो तो आप बाइक ना चलाए, ना ही स्कूटी चलाए। नहीं तो अगर पानी अगर इसके अंदर चला गया तो फिर एक ही ऑप्शन है, जैसे अगर आपकी बाइक पानी में जाने के बाद बंद होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को उस टाइम ऑन नहीं करना है, ठीक है। एक बार पहले चेक करने कहीं एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर पानी तो नहीं चला गया, नहीं तो क्या होगा गाइज, आपको भारी नुकसान हो सकता है। हो सकता है वो पानी इंजन के अंदर चला जाए, क्योंकि क्या होता है अगर एयर फिल्टर बॉक्स में पानी भरा गया है तो आपको जो मैंने ये ओवरफ्लो का पाइप बताया है यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, इससे एक बार इसको खींच के देख लो, अगर इसके अंदर पानी भरा रहेगा तो वो सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी बाइक हो, ऐसा सब बाइक में होता है, ये पाइप लगा होता है, किसी में ट्रांसपेरेंट वाला होता है, ठीक है, स्कूटियों में भी लगा रहता है, एयर फिल्टर के बॉक्स में नीचे साइड में, ठीक है, इसमें भी होता है, सब में होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको खोल लेना है, उसके बाद में बेहतरीन उसमें अगर पानी होगा तो निकाल लेना, फिर उसके बाद बाइक को स्टार्ट करो, और अगर उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, एक या दो सेल मारो, एक दो बार किंग मारो, तो एयर फिल्टर निकाल लो, उसको साफ कर लो, ठीक है, उसके बाद आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कहीं इमरजेंसी जगह पे हो तो एयर फिल्टर को निकाल लो, बॉक्स वापस से पैक करके गाड़ी स्टार्ट कर लो, आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और चीज़ें बता देता हूँ गाइस, एयर फिल्टर का हो गया, ठीक है, जो कार्बोरेटर या टोटल बॉडी के पीछे जो पाइप लगा होता है उसमें भी कई बार पानी चला जाता है, तो उसका भी आप कनेक्शन देखना हो कहीं लूज तो नहीं है, ठीक है। और भी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपकी बाइक बारिश में पानी में जाने से बंद हो सकती है। दूसरा, सबसे पहला ऑप्शन आप मान लो कि जहाँ भी आपका ECU लगा या CDI लगी है वो जगह सेफ जगह होना चाहिए। अगर वो AC का इस साइड में नीचे साइड में होती है तो अगर है तो उसको पैक कर लो, नहीं तो अगर उसमें पानी चला गया तो गाड़ी वैसे ही बंद होगी। और जो भी कपलर होते हैं जिससे भी आपका जो करंट का सिस्टम होता है, कपलरों में सब में करंट ही होता है, तो उन सबको आप ग्रीस व्रीस लगा के या पैक कर लो, ठीक है। चाहिए जैसे अभी इसमें क्या, जो CDI गाइस वो सीट के नीचे है तो इतने ऊपर तक पानी नहीं जाता, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने इसको बहुत बार पानी में चलाया है, इतना पानी तक तो मैंने आराम से चलाया है, ठीक है। तो इतना ही था गाइस वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो और मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे अपन डायरेक्ट बात कर लेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।